खानपुर के बालावाली गांव में गुर्जर युवाओं द्वारा गुर्जर सम्राट मेहर भोज का बोर्ड कुछ दिन पूर्व लगाया गया था, जिसे बालावाली के कुछ शरारती तत्वों ने गैस कटर से काटकर चोरी कर लिया। जब आज सुबह मामले का पता गुर्जर युवाओं का चला तो बस सैकड़ों की संख्या में रायसी पहुंच गए, जहां से उन्होंने बालावाली गांव में पहुंचने का आगाज कर दिया। लेकिन मौके पर पहुंचे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उन्हें रोक लिया और पूरे मामले की जानकारी लक्सर प्रशासन को दी। घंटों तक लक्सर प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा और मामला तनाव में बदल गया, जहां एक और गुर्जर युवा सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए, वहीं दूसरी ओर चौहान समाज के युवा सैकड़ों की संख्या में आ धमके। दोनों ही ओर से लोग लाठी डंडों से लैस थे, लेकिन लक्सर पुलिस बल लक्सर उप जिला अधिकारी की सूझबूझ के चलते मामले को निपटा लिया गया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ओर के युवाओं को समझा कर वापस लौटा दिया। मामले में 1 दिन का समय निश्चित किया गया है। प्रताप मारा है तो कौन सा गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। कौन सा गुनाह है? वही आप लोगों कह रहे हैं, जो इतिहास है इतिहास को या तो आप प्रॉपर जानकारी नहीं। बालावली के रोड पे तो यहाँ पे जो है जगह जगह बोर्ड लग भी रहे हैं, तो इस चीज का बोर्ड का कुछ लोगों को एतराज था और रात कुछ शरारती तत्वों ने बता रहे वो बोर्ड हटा दिया है। उसी बोर्ड को लेके यहाँ जो है आक्रोश था लोगों में, उसी बात को लेके मौके पे बात कर ली गई इन लोगों से। और दूसरा, जहाँ सम्राट मीर भोज की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है, वो सभी को पता है, उसे कोई जाति विशेष में बांटना उस चीज़ को सही नहीं है। ये अपील इनसे की गई है और सभी लोग मान भी गए हैं। अब जिन्हों भी शरारत तत्वों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बालावली में आज दो समुदायों के बीच विवाद होने पर पुलिस के साथ वहां पर दोनों पक्षों से वार्ता की गई। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि उनके द्वारा लगाए गए कोई बोर्ड को दूसरे समुदाय द्वारा हटा दिया गया। इसके संबंध में वो जांच चाहते हैं, तो इसमें उनको ये आश्वासन दिया गया कि इसकी जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी उनको कहा गया कि यदि वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस तरह का लगाया गया है तो वो एक दंडनीय अपराध है, उसमें 3 माह की सजा का भी प्रावधान है। तो यदि ऐसा किसी ने किया तो आगे भविष्य में ना करे और जिसने किया है उसके विरुद्ध जांच में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में दोनों पक्षों में शांति कायम है और जो भी इस प्रकार के शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध शांति भंग में चलानी कार्रवाई की जा रही है। आपको ज्ञात होगा अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ बल्लावली गाँव पड़ता है, वहाँ से उसके आसपास में जो है चौहान समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने गुर्जर समाज को एक अल्टीमेटम दिया था हमारे महापुरुष को लेकर। हमारे महापुरुष जो हैं गुर्जर सम्राट प्रतिहार मीर भोज जी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगने देंगे। तो उसके बावजूद वहाँ समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने अपना एक बोर्ड स्थापित किया। उस बोर्ड को लगाने के बाद में वहाँ के लोगों ने 2 दिन से अल्टीमेटम दे रखा था कि किसी गुर्जर में अगर दम होगा तो ये बोर्ड यहाँ रोक लियो, हम इस बोर्ड को घाट कर लेके जाएंगे। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कोई गुर्जर यहाँ से आएगा तो उसके ऊपर गोले की बौछार कराऊँ वाली से होकर ऐसे तक गोले की तबड़तोड़ बौछार होती चली जाएगी। उसके जवाब में हमारी एक आज की सभी लोगों की अपनी मीटिंग थी, मैं भाई उनके बड़े जितने भी लोग होंगे उनका बैठ कर आपस में बात करेंगे चर्चा करेंगे, इस विषय को तोल नहीं दिया जाएगा। पर उनके कुछ कुच्छित मानसिकता के लोग, उन्होंने आज रात में ही वो ऐसा काम कर दिया कि उन्होंने काम हमारे समाज के स्वाभिमान पर इतना बड़ा कुठाराघात कर दिया कि रात एक गैस कटर ला के वो हमारे बोर्ड वहाँ काट के उठा कर ले गए। उसके साथ में उन लोगों ने वहाँ से अवैध हथियार भी उनके हाथ में थे और एक लड़का अगर हमारे छत पर उतरा है वहाँ गुर्जर समाज का, उसकी ओर उन्होंने फायरिंग भी कर गए वहाँ से। तो इससे उनकी मानसिकता दर्शाती है गुर्जर समाज के खिलाफ उनके अंदर कितना आक्रोश है। और हम अपने महापुरुष के समाज के महापुरुष जो हमारे मीर भोज जी हैं उनके स्वाभिमान के लिए और अपने गुर्जर समाज के महान पुरुष समाज के लिए उनके स्वाभिमान के लिए अगर कोई हमारे स्वाभिमान ठेस पहुँचा होगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। अगर हमारा बोर्ड आज वहाँ नहीं लगता है, हमने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है, 24 घंटे के अंदर हमारा बोर्ड वहाँ लगेगा और 36 घंटे के अंदर उन दोषियों की गिरफ्तारी होनी है। अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो उसके बाद में इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा।